एंग्जाइटी या चिंता रोग बिना दवाई का अच्छा करो, इसलिए हमारे पास में काफी कॉल्स आते रहते हैं। लोग बोलते हैं जो मेडिसिन चालू है वो मेडिसिन या दवाई हमको बंद करनी है और आपसे बिना दवाई का इलाज होगा तो ही करूं तो नहीं करूं। तो बोलते ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। तो आपको भी बताऊंगा मैं एंग्जाइटी के बारे में, चिंता रोग। एंग्जाइटी होती क्यों है, चिंता होती क्यों है? चिंता इसलिए होती है कि फ्यूचर में, भविष्य में कुछ तो भी चिंता का विषय सामने उसको आता है कि भविष्य में अच्छा नहीं होगा, यहाँ प्रॉब्लम होगा, वहाँ प्रॉब्लम होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसी चिंता लगी रहती है। चिंता आई कहाँ से? भविष्य। ये आया पास से। पास में कुछ तो भी हुआ, पास में असफलता आ गई, पास में झगड़ा झंझट कुछ तो भी हो गया, पास में लॉस हो गया, नुकसान हो गया, बैंककरप्सी हो गई, जो भी हो गया वो पास में हो गया, तो वो हम फ्यूचर में डालते हैं, सामने आ जाता है। और जहाँ वहाँ हम फ्यूचर के बारे में फिर सोचते रहते हैं कि भाई फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा जो अतीत में हुआ था, जो पास में हुआ था। तो जब वो आते हैं तो हम उनको ये पहले उनकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं। हमारे पास में हमारी एक स्केल है, वो स्केल के ऊपर हम उनको नापते हैं, उसमें सवाल जवाब है काफ़ी सारे। डिप्रेशन भी वही है, डिप्रेशन रहा या एंग्जाइटी रही, तो उनको पूरा हम असेसमेंट कर लेते हैं। और असेसमेंट करने के बाद में देखते हैं कि इनको किस तरह का कोचिंग या किस तरह की काउंसिलिंग हमने देना चाहिए। काम पड़ा तो हम फैमिली मेम्बर को भी बुलाते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ में सीटिंग लेते हैं। शादीशुदा है तो उसको पति पत्नी, उनको बुलाते हैं। बच्चे बड़े हैं तो बच्चों को बुलाते हैं और उनके साथ में कॉमन सीटिंग भी लेते हैं। कुछ तभी पास्ट में हुआ, वहाँ वो सेंसिटाइज हो गया, उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सेंसिटाइज हो गया, सेंसिटिविटी आ गई उसको, और वहाँ से फिर उसकी चिंता शुरू हो गई। तो हम फिर उसको पूछते रहते कि ऐसा कहाँ हुआ, सबसे पहले आपको डर कहाँ लगा, अतीत में कुछ साल पहले आपको क्या ऐसा हुआ कि वहाँ आपको, आप एकदम डरे हुए इंसान बन गए, फिर आपने वहाँ क्या निर्णय लिया, क्या आपने डिसीजन लिया कि भविष्य में मैं कैसा बनूंगा। हो सकता है कुछ तो भी ऐसी घटना हुई, बहुत कुछ तो भी बड़ा हादसा हुआ, वो एकदम उससे मतलब दिल की चोट उससे पहुंच गई और वहाँ से फिर आगे चिंता का विषय बन गया। तो वहाँ पूछते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ, किसके साथ में झंझट झगड़ा हुआ था, किसके साथ में आपने दुश्मनी की थी, किसने आपको दुख पहुँचाया था, क्या किसकी डेथ हुई थी अतीत में, क्या आपके अजीज कोई था उसको अटैक से वो चले गए, अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, वहाँ से चले गए, या पिताजी और माताजी, माँ और बाप के साथ में संबंध यदि खराब है, माँ के साथ में और पिताजी के साथ में संबंध यदि खराब है, मतलब उनको, उन्होंने मुझे मेरा अच्छा नहीं किया, उनके बारे में दिमाग में बहुत सारी किरकिर किरकिर है, उन्होंने मुझे जो जैसा पालन पोषण करना चाहिए वैसा पालन पोषण नहीं किया, उन्होंने मुझे प्यार नहीं दिया, ऐसा काफ़ी सारा जो इनकम्प्लीशन माँ बाप के बारे में है, तो वो इनकम्प्लीशन के बारे में हम पूछते रहते हैं और बोलते कि चलो माँ बाप से बात करो, वो कम्प्लीट कर डालो, क्योंकि माँ बाप ने जो किया वो किया, उन्होंने उनका बेस्ट दिया, अब जो हुआ आपको वो हुआ, आपने जैसा उसको परसीव किया, जैसा उसको नापा, जैसा आपने समझा वैसा समझ लिया, अभी जो भी हुआ वो पास में हुआ, अभी उनको माफ़ कर डालो, माँ बाप को माफ़ करो या उनसे माफ़ी मांगो जो भी आपने अभी तक खुन्नस बना के रखी है। तो वो यदि वो करते हैं तो काफ़ी लोगों को रिलीफ मिल जाता है। फिर मत्सर है, द्वेष है किसके बारे में, है ना, कोई अगर झगड़ा झंझट हुआ है, फिर कंपटीशन है, तुलना करना है, कंपटीशन करने का है, और उसमें फिर बहुत टेंशन आता है, चिंता आती है, तो वो एक कारण हो सकता है। लोगों के प्रति प्यार नहीं होना, अपने आप के ऊपर प्यार नहीं होना, लोगों के ऊपर प्यार नहीं रहना, तो उससे भी काफ़ी चिंता होती है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में पूरा बना रहता है और वो बहुत बड़ी जगह ऑक्यूपाई कर लेता है, तो वो एक होता है। फिर लोगों को फर्गीव और फर्गेट, मतलब लोगों को माफ़ नहीं करना और ख़ुद को भी माफ़ नहीं करना, तो वो लोगों से मतलब दूर दूर हो जाते रहते हैं, अलग अलग से पढ़ते रहते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं और फिर उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। तो लोगों को माफ़ नहीं करना, खुद को माफ़ नहीं करना, माफ़ी नहीं मांगना लोगों से आकर, यदि उनकी गलती है तो माफ़ कर डालो, अपनी गलती उनसे है और संबंध बिगड़ गए तो माफ़ी मांग लो, जो भी करना है। तो ऐसी चीज़ें काफ़ी सारी होती है कि जिससे टेंशन और एंग्जाइटी आती है। फिर
फिर हम बोलते हैं कि असफलता आपको कहाँ कहाँ आ सकती है उसके बारे में चिंता है, चलो वो लिख के रखो। असफलता आई तो क्या बुरे से बुरा क्या होगा, वर्स कम वर्स क्या होगा वो देखो। फिर कहाँ कहाँ आप झूठा जिंदगी जी रहे, झूठी जिंदगी, इनऑथेंटिक, अप्रामाणिकता से कहाँ कहाँ जिंदगी जी, क्योंकि जब अप्रामाणिकता रहती है, ये छुपाना है वो छुपाना है, रिलेशनशिप में कुछ छुपाने का है, फाइनेंस में कुछ छुपाने का है, हेल्थ के बारे में है, या जो भी कुछ है, छुपा छुपा के यदि आप जिंदगी जी रहे तो उसमें बहुत टेंशन आता है, एंग्जाइटी होती रहती है। तो जो भी कुछ है वो ऑथेंटिक है, प्रामाणिकता से जीवन जी रहे, तो इस तरह से हम उनको काउंसिलिंग करते हैं। आप भी हमें नीचे जो दिए हैं नंबर उसके ऊपर संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन काउंसिलिंग हम आपसे करवा सकते हैं, और यदि आपको आना है तो यहाँ आ सकते हैं। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है, एक है बिना रिश्तेदारों का, एक है रिश्तेदारों के समेत रहने का, ऐसे दो हॉस्पिटल है। हमारा जो उद्देश्य है, मेन जो मिशन है वो ये है कि मेंटल हेल्थ फॉर एवरीवन, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, और एडिक्शन फ्री इंडिया, शराब मुक्त भारत, व्यसन मुक्त भारत। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे और हमारे मिशन में आपका भी हाथ लग जाएगा, आप भी पार्टनर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।